को डेकोरेट करेंगे। तो डेकोरेट करने के लिए हम इन दोनों पॉट्स के ऊपर मिरर्स लगाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। तो गाइस अब हम मिरर्स को पॉट के ऊपर लगाएंगे, तो उसके लिए हम ग्लू नहीं यूज़ करेंगे, उसके लिए हम एक मिक्सचर यूज़ करेंगे। तो मिक्सचर बनाने के लिए हम सबसे पहले सीमेटिक पाउडर लेंगे, उसके बीच में हम पानी डालेंगे एंड पानी के साथ साथ हम ग्लू भी डालेंगे। तो गाइस हम मिक्सचर को इतना थिक भी नहीं बनाएंगे एंड इतना थिन भी नहीं बनाएंगे, हम उसको थोड़ा मीडियम में ही रखेंगे। तो गाइस अब हम इस मिक्सचर को लगाएंगे एंड साथ साथ ऊपर मिरर लगाए जाएंगे। हम सारे पॉट को इसी तरह कवर करेंगे। तो गाइस सेकंड पॉट को भी हम इसी तरह ही डेकोरेट करेंगे। तो चलिए इसको भी डेकोरेट करना स्टार्ट करते हैं। तो गाइस अब हम इन दोनों पॉट्स के ऊपर जो हमारा मिक्सचर था वो सारा लगा देंगे, मिरर्स को भी साथ में ही कवर कर देंगे। गाइस अब हमारा मिक्सचर सूख चुका है एंड अब हम इसको रिमूव करेंगे। तो रिमूव करने के लिए हम किसी भी हार्ड चीज़ को यूज़ कर सकते हैं, तो मैं इसको अपनी सेफ्टी पिन से ही रिमूव करूँगी एंड आप इसको इजीली रिमूव करने के लिए इसके बीच में पानी ऐड कर सकते हैं। मीन्स आप इसको पहले पानी लगा सकते हैं एंड फिर ये बहुत इजीली रिमूव हो जाएगा। तो गाइस हमारे दोनों पॉट्स रेडी हो चुके हैं एंड अब हम इनको और डेकोरेट करने के लिए इन दोनों पॉट्स के ऊपर लेस लगाएंगे।
अब इसके अंदर मैं ब्लैक पेंट करूंगी। तो गाइस, आप इन दोनों पॉट्स के अंदर कोई भी वेस्ट चीज़ लगा सकते हैं प्लांट्स लगाने के लिए। तो मैंने इन दोनों पॉट्स के अंदर बजरी डाल दी है। हमारे पॉट्स रेडी हो चुके हैं। आप इनको वैसे भी रख सकते हैं और नहीं तो आप इनमें आर्टिफिशियल फ्लावर्स भी डाल सकते हैं। तो मेरे घर में ये दोनों वैसे ही पड़े हुए थे, तो मैंने सोचा मैं इनको यूज़ कर ही लेती हूँ, तो इसलिए मैं अब इन दोनों के बीच में फ्लावर्स लगाऊंगी। तो गाइस, अब आर्टिफिशियल फ्लावर्स भी लग चुके हैं एंड अब हम इनके ऊपर कलर्ड स्टोन्स डाल दें। तो गाइस, हमारे पॉट्स रेडी हो चुके हैं। ओके गाइस, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना एंड सब्सक्राइब का बटन दबाना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।